नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरे पास जो इंक्वायरी आई है वो है ज्वेलरी शॉप की। नॉर्थ फेसिंग ज्वेलरी शॉप है और उनके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है। वास्तु के अनुसार ऐसे क्या क्या कमियाँ हैं, आज मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हर व्यक्ति कोई ना कोई काम जरूर करता है। आपकी अपनी नॉर्थ फेसिंग ज्वेलरी शॉप है तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने और समझे, या आपकी किसी भी काम से रिलेटेड दुकान है, शोरूम है, तो भी आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने और समझे। वैसे तो मैंने बहुत सारी दुकानों के ऊपर, शोरूम्स के ऊपर, घर के ऊपर और फैक्ट्रियों के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता हूँ ताकि आप लोग लाभ उठा सके, आपकी जो अपनी वर्किंग है वो वर्किंग आपकी अच्छी हो सके। सबसे पहले तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी ज्वेलरी शॉप है। फ्रंट में जो शटर के ऊपर कलर है वो रेड कलर है। जब भी नॉर्थ फेसिंग शॉप है या शोरूम है और वहाँ पर शटर के ऊपर रेड कलर आ जाता है तो वहाँ पर उस दुकान के अंदर, उस शोरूम के अंदर हमेशा ही पैसे की तंगी बनी रहती है। पैसे की तंगी बार बार आती ही रहती है। ऐसे ही रोड से दुकान के अंदर आने के लिए बाहर एक या दो स्टेप जो बने होते हैं उनके ऊपर भी रेड कलर या ब्राउन कलर का पत्थर लगा हुआ है तो भी वहां पर पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती है। मेन गेट यानी जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनी हुई है। फ्रंट में नॉर्थ ईस्ट से गेट तक फिक्स ग्लास है और नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की ओर डोर लगाया हुआ है। यहाँ से ओनर और कस्टमर अंदर आता है। बैक साइड में, पीछे के भाग में, क्योंकि ज्वेलरी का काम है, बैक साइड में साउथ ईस्ट के भाग में फायर का काम करते हैं, भट्टी लगाई हुई है, और साउथ के भाग में मशीन लगाई हुई है। साउथ वेस्ट के भाग में साउथ की वॉल पर भी और वेस्ट की वॉल पर भी अलमारी बनाई हुई है जिसके अंदर अपने ज्वेलरी का सामान रखते हैं। आपके यहाँ जो पीछे का एरिया, जो साउथ का एरिया है, उसमें जो आपकी भट्टी लगी हुई है ये भी बहुत बढ़िया लगी हुई है, जो मशीन लगी हुई है वो भी बहुत बढ़िया लगी हुई है, और जो आपका माल रखने की जो स्टोरेज है वो भी आपकी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो पीछे का फर्श है वो आपकी दुकान के फर्श के लेवल से लगभग 3 इंच नीचे है, वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए आपको करना क्या है, जो आपकी दुकान है, जो आपका शोरूम है, उससे बैक साइड का एरिया हमेशा ही 2 से 3 इंच ऊंचा होना चाहिए। जब आप अपने यहाँ बैक साइड का एरिया, फर्श का लेवल ऊंचा करेंगे तो आपके सारे कर्ज उतरते चले जाएंगे। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप साउथ का भाग यानी दक्षिण के भाग में फर्श करेंगे तो आपने वहाँ पर जो टाइल्स लगानी है, जो पत्थर लगाना है, वो रेडिश ब्राउन कलर का ही लगाना है। इसी के साथ मैं अब आपको दुकान के सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा। ईस्ट वॉल पर आपकी अपनी स्टोरेज और डिस्प्ले बनी हुई है। ये आपका अपना काउंटर है, यहाँ पर आपकी अपनी सीटिंग है। ऐसे ही एक काउंटर आपका यहाँ पर भी बना हुआ है, और आपके यहाँ जो कारीगर बैठता है वो कारीगर आपका यहाँ पर बैठता है, और कारीगर का काम करते हुए जो फेस होता है वो वेस्ट की ओर होता है और नॉर्थ की ओर होता है। कस्टमर के बैठने के लिए आपने यहाँ पर सोफे लगाए हुए हैं। और ऐसे ही एक सोफा आपका यहाँ पर भी लगा हुआ है। ओनर की जो सीटिंग है वो ओनर की सीटिंग ये है, और कैश बॉक्स यानी जो गल्ला बनाया हुआ है वो यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि साउथ की ओर ओपन होता है। वास्तु के अनुसार गल्ला जो बना हुआ है ये भी गलत है। इसी के साथ जो ओनर की सीटिंग है, जो स्टाफ की सीटिंग है, यानी जो ये काउंटर है, ये काउंटर भी आपका वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। ऐसे ही जो आपकी अपनी डिस्प्ले बनी हुई है,
ये डिस्प्ले भी आपकी वास्तु के अनुसार गलत है। और इसी के साथ जो आपकी मेन एंट्रेंस है ये भी वास्तु के अनुसार ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप अपने यहाँ पर बेनिफिट चाहते हैं, आपकी वर्किंग हमेशा अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए आपको अपना सेटअप चेंज करना होगा, क्योंकि आपको अपने यहाँ पर हमेशा ही माल डालने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से हाथ उधारा उठाना पड़ता है। और आपके यहाँ जितना भी माल जाता है उसमें से ज़्यादातर माल आपका उधार में जाता है और वो पेमेंट भी आपके समय पर नहीं आती। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपका कारीगर साउथ वेस्ट के भाग की ओर बैठा है ये जगह मालिक की जगह है, यहाँ पर मालिक को बैठना चाहिए। आप अपने यहाँ पर काम अच्छा चाहते हैं तो आपको अपने यहाँ पर सेटिंग चेंज करनी होगी। उसके लिए आपको करना क्या है, जो डिस्प्ले आपकी ईस्ट वॉल पर बनी है वो डिस्प्ले आपने वेस्ट वॉल पर बनानी है, जो डोर आपका नॉर्थ वेस्ट की ओर लगा हुआ है वो डोर आपका नॉर्थ ईस्ट की ओर आ जाएगा। ऐसे ही काउंटर आपका यहीं रहेगा, यहाँ पर अपना स्टाफ की सिटिंग आ जाएगी और जो आपके सोफे लगेंगे वो सोफे आपके अपने यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपका अपना कस्टमर बैठ जाएगा। इसी के साथ जो आपका ये काउंटर है, ये काउंटर आपका यहाँ पर एल शेप में आ जाएगा, यहाँ पर इस भाग में आपका अपना ऑनर बैठ जाएगा, यहाँ पर आपका अपना स्टाफ आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर आपका अपना कारीगर बैठ जाएगा जो कि ईस्ट की ओर फेस करके काम करेगा। पीछे जाने के लिए आपको जो डोर बनाना है वो डोर आपका अपना यहाँ पर आएगा, और आपने अपने यहाँ पर जो तिजोरी लगानी है वो तिजोरी आपकी अपनी साउथ वेस्ट के भाग की ओर वेस्ट वॉल पर आ जाएगी जो कि ईस्ट की ओर ओपन होगी। इसी के साथ आप अपनी तिजोरी साउथ वॉल पर भी लगा सकते हैं जो कि नॉर्थ की ओर ओपन होगी, ये दोनों ही तिजोरी आपकी बिल्कुल सही रहेगी। इसमें आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, तिजोरी कई प्रकार की आती है, ग्रे कलर में भी आती है और ग्रीनिश टोन में भी आती है। यहाँ पर आपने जो तिजोरी रखनी है ग्रीनिश कलर की नहीं होनी चाहिए, यानी हरे रंग की नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी तिजोरी सिल्वर कलर की या ग्रे कलर की ही होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पर जो मंदिर लगाना है, मंदिर आप ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट तक कहीं भी लगा सकते हैं, और पीने का पानी आपने जो रखना है पीने का पानी नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट सेंटर के बीच में रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर मिरर लगाना चाहते हैं तो आप ईस्ट वॉल पर अपने यहाँ बड़े बड़े मिरर भी लगा सकते हैं, लेकिन मिरर लगाते हुए आपको ध्यान रखना है ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही मिरर आने चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका अपना फ्रंट का भाग है, आपके यहाँ शटर पर रेड कलर है तो आपने अपने यहाँ पर शटर पर स्काई ब्लू कलर करवाना है। ऐसे ही आपके यहाँ जो फ्रंट के भाग में स्टेप के ऊपर रेड कलर का पत्थर लगा हुआ है, आप उस पत्थर को बदलवा कर वाइट कलर का पत्थर लगवाएंगे तो आपके यहाँ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, आपके यहाँ वर्किंग हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी, कभी भी आपको बाहर से कर्ज उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपके यहाँ जो फ्रंट के भाग में स्टेप बने हुए हैं उस स्टेप के ऊपर आप ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगाते हैं, जितना बढ़िया ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगाएंगे उतने ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे और आपका अपना डूबा हुआ पैसा भी आता चला जाएगा। इस प्रकार आप अपनी दुकान को रेनोवेट करते हैं, अपने शोरूम को रेनोवेट करते हैं तो हमेशा ही आपके यहाँ वर्किंग अच्छी आएगी। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ फ्लोरिंग कराते हैं तो फ्लोरिंग में फर्श की ढलान, फ्लोर की ढलान आपकी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होनी ही चाहिए। फ्लोरिंग में आपने वाइट कलर का पत्थर लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है जो आपका बैक साइड का एरिया है उसमें आपने रेड कलर का पत्थर लगाना है, जो आपका बाहर का एरिया है जो शोरूम का एरिया है उसमें आपने वाइट कलर का पत्थर ही लगाना है। मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक विचार आता है कि मैं बंसल जी को अपने यहाँ अपनी साइट की वास्तु विजिट के लिए इन्वाइट करूँ, लेकिन ज़्यादा दूरी होने के कारण आप मेरे को बुला नहीं सकते, तो आप हमसे किसी भी साइट के प्रति अपनी वीडियो बनवा सकते हैं और आप अपने लेआउट पर भी वास्तु कंसल्टेंसी ले सकते हैं, वास्तु सलाह ले सकते हैं।
आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।